हे गाइस, लादिए गेमिंग के इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शरदोस हिमांशु। सो गाइस, फाइनली आज है 15 मई और आज के दिन एक और नया टाइटन आने वाला था शैनोक मैप के अंदर। फाइनली आ चुका है यार कॉन्ग हमारा। और गाइस, कॉन्ग के जो क्रिस्टल्स हैं, आज मैं कॉन्ग के क्रिस्टल्स का बताने वाला हूं यूज़ क्या है और कॉन्ग के क्रिस्टल्स किस तरह से आपको मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और गाइस, जो कॉन्ग के क्रिस्टल्स हैं ना, वो गॉडज़िला के क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं यार। मतलब कॉन्ग के क्रिस्टल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भाई आप ना पबजी मोबाइल वालों ने आपको एकदम से कर बना दिया है। मतलब उसके जो क्रिस्टल यूज करोगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। तो जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे आपको यार सबसे पहले कॉन्ग के क्रिस्टल्स को लेना है और कैसे ये मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहां पे ना कॉन्ग के आपको आसपास रहना है, आपको ना एक मैसेज शो होगा, ठीक है। आपके डिस्प्ले पे एक मैसेज शो होगा जिसमें लिखा होगा कॉन्ग इज रिलीजिंग एनर्जी एंड विल प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ क्रिस्टल्स। जैसे आपको ये मैसेज शो होता है ना, तो आपको कॉन्ग के पास चले जाना। अगर आप कोई भी लोकेशन पे हो तो आपको जल्दी से जाना और कॉन्ग के पास चले जाना, और बिल्कुल उसके पास नहीं चले जाना, थोड़ा पीछे रहना है। बिल्कुल उसके पास जाओगे तो आपको वो हार्म भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पीछे रहना है, और जैसे वो थोड़ा चलना स्टार्ट करेगा तो वैसे ही वो अपने जो क्रिस्टल्स रहेंगे ना वो प्रोड्यूस कर देगा। मतलब वो नीचे गिराना स्टार्ट कर देगा वो क्रिस्टल्स, और उसको जाके आप ले सकते हो। और जो क्रिस्टल्स है ना उसका इस्तेमाल भी देख लेना भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि यार पबजी वालों ने इतना बढ़िया यहाँ पे क्रिस्टल्स में पावर दी है कि तुम पूरी तरह हैकर बन जाओगे। तुम्हें हैकिंग की जरूरत ही नहीं है, तुम तो एकदम से हैकर ही लगोगे यार इस क्रिस्टल को यूज करने के बाद। क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूं कि क्रिस्टल का क्या यूज रहने वाला है। तो गाइस देखो यार, यहाँ पे बहुत से आपको क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं, आपको ये सब के सब उठा लेने हैं क्योंकि यार आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और ये जो एक क्रिस्टल है वो 5 मिनट के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से ना क्रिस्टल को यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे क्रिस्टल्स अभी उठा लिए हैं, तो मैं एक यूज़ करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या पूरे का पूरा काम होने वाला है क्रिस्टल्स का। जैसे कि आपने देखा कि मैंने क्रिस्टल यूज़ कर दी है, अब यहाँ पे यार मेन काम इसका स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पे मैं जंप ले पा रहा हूँ, और यार मैं जल्दी जल्दी चल भी पा रहा हूँ। मतलब मैं कितनी जल्दी चल पा रहा हूँ यार, ऐसे कोई आम बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता ना भाई। ऐसी पावर्स यार पबजी वालों ने दी हैं कि क्या ही बताएं। और यार ये गॉडज़िला के जो क्रिस्टल्स हैं ना, उससे बढ़िया यार ये मेरे को सबसे बढ़िया क्रिस्टल लगे हैं कॉन्ग के। क्योंकि कॉन्ग के जो क्रिस्टल्स हैं वो मतलब एकदम ओपी क्रिस्टल्स हैं। उड़ उड़ के भाई आप जा सकते हो और बंदों को मार सकते हो, और यार अगर उन्होंने भी यूज़ किया तो वैसे तो मतलब आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल रहेगा, पर आप उनको फिर भी मार सकते हो। बहुत ज़्यादा मज़े आपको आने वाले हैं ये क्रिस्टल यूज़ करने के बाद। तो भाई बहुत ही ज़्यादा, तो देखो यार बहुत ज़्यादा आसान तरीका है यार कैसे आपको क्रिस्टल्स लेने हैं। जैसे वो आपको एक मैसेज शो होएगा ना, तो वैसे आपको चले जाना है कॉन्ग के पास, और कॉन्ग जैसे क्रिस्टल को प्रोड्यूस करता है तो वैसे आपको क्रिस्टल को उठा लेना है, और क्रिस्टल इसके बाद आपको क्रिस्टल को यूज़ कर लेना है। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और यार जाओ और जल्दी से क्रिस्टल्स को यूज़। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है शैनोक मैप खेलने में। तो इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी ही वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, खेलो शैनोक।